स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। और आज आपके लिए जो सी टेट प्राइमरी लेवल का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर आया हूँ मैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो आज हम देखते हैं जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 30 क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, जेंडर क्या है, तो इसका जो आंसर होगा आपका दूसरा होगा, ये क्या है, यह एक जैविक निर्धारक है। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, तो इसका आंसर होगा आपका दूसरा, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम, चौथा प्रश्न पेडोलॉजी का। इसके बाद देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, बहुत आसान प्रश्न है, दूसरा इसका आंसर सही है, परिवार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, जीन पियाजे से भी प्रश्न आया है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसका आंसर पहला ही सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, इसका पहला आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, तो इसका पहला प्रश्न इसका इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, विचारों की अनु अनु अनुक्रमणीयता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात में क्या है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका कौन सा सही होगा, दूसरा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और शिक्षा में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की किस तरह से देखा जाता है, तो इसका आंसर होगा सक्रिय अन्वेषणों के रूप में, एक्टिव वाला चौथा प्रश्न होगा इसका। इसके बाद देखते हैं हम नवा प्रश्न आपके सामने है, ये बुकलेट एस के प्रश्न चल रहे हैं, आपके कोई और बुकलेट होगी, की होगी, किसी की आर होगी, ये एस बुकलेट के प्रश्न हैं, आप ला लें, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। लेव वाइगोत्सी के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक, इसका दूसरा सही है, एक सामाजिक गतिविधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस में जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, जैसे 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 दुनिया में व्यवहार का कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं, इसका दूसरा आंसर सही होगा। उसके बाद देखते हैं हम ग्यारहवा प्रश्न है आपका चालक वाला, तो चालक में क्या, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएँ होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डॉट डॉट से डॉट डॉट तक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका चौथा होगा, परिष्कृत स्थूल चालक वाला, परिष्कृत वाला चौथा प्रश्न इसका सही है। उसके बाद चौथा आंसर इसका सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर जो है आपका, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, उसको किशोर अवस्था कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर है आपका पहला, इन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्चा अपने साथ जो अनुभव करता है उसका पहला आंसर सही है आपका, तेरह का पहला सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, चौदह है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिचकी दवाई को की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, तो इसका आंसर होगा आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका चौथा, दंड व आज्ञा पालन की अवहेलना,
दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं हम, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं, तो ये है आपके व्यक्तिगत संवाद, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं हम खिलौने, पहनने की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रोगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबोधित करना क्या प्रदर्शित करता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सत्रह का है एक शिक्षक को चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी सांस्कृतिक संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, तो इसका पहला ही आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अट्ठारह में देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता, समावेशी शिक्षा की वकालत करता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर है यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह भी समावेशी शिक्षा है, ये यूपी टेट में भी आया था, सी टेट में भी बार बार रिपीट होता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर बीस का आंसर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो ये आपका कंठस्थीकरण एवं स्मरण, दूसरा इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जोड़ा मिलाने के लिए आया था, इसका जो आंसर है प्रतिभाशाली बालक अधिगम सृजन करता, तो इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही है आपका तीसरा, इसका तीसरा आंसर सही है। तीसरे आंसर का तीसरे में क्या है, डी ए बी सी, इसके जो जोड़ा मिलेगा वो डी ए, पहले का डी से, दूसरे का ए से, तीसरे का बी से और चौथे का सी से। क्वेश्चन नंबर बाईस का आंसर है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधि और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, 22 का पहला आंसर सुनिए आपका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौबीस देख लेते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, अधिगम क्या होता, तो इसका सीधा आंसर पहला है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर पच्चीस का आंसर है आपका दूसरा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों की गलतियाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का वह भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, इसका चौथा आंसर सही बच्चों की गलती वाले में। उसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर सत्ताईस में देख लेते हैं, मूल्यांकन को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, मूल्यांकन को एक शिक्षा, इसका तीसरा आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस आपके सामने, नीचे लिखी हुई स्थिति सिद्धांत को दर्शा, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्यक्रम को आंसर छोड़ देने की संभावना होती है, तो ये इसका आंसर कौन सा सही है, दूसरा सही है, इसका संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है, तो इसका पहला ही आंसर है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूतिपूर्ण अनुमान लगाने व बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर देख लेते हैं, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं
पहल व प्रयास शामिल है, इनमें किसका उदाहरण है? ये आपका अधिगमकर्ता केंद्र बिंदु केंद्रित विधि का उदाहरण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है कि 90% प्रश्न मैंने आपको सही बताए हैं। एक आध अगर जो प्रश्न आपको कोई गलत लगे और उसका आंसर आपको सही लगा तो आप इनबॉक्स में कमेंट्स करके प्लीज़ उसका सही आंसर दे दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बाल मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी ये अनऑफिशियल आंसर की है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।